दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपियों का भारत आगमन के टॉप 42 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट टू रहेगा। इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपकी बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो देखिए, जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। 54 क्वेश्चन देखिए, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? तो देखिए, पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन की शादी के उपलक्ष्य में चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। अगला क्वेश्चन, इंटरलोपर्स थे, तो इंटरलोपर्स थे अनिकृति व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 56 क्वेश्चन देखिए, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां 1633 ईस्वी में स्थापित की? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3/1/2 कर दिया? औरंगजेब ने फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3/1/2 कर दिया। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? देखिए, औरंगजेब के आदेश पर जो 1600 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकालकर बाहर कर दिया। जब औरंगजेब ने आदेश दिया तो हुगली से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया 1686 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/1/2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1/1/2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों को सुतानाती और कालीकता एवं गोविंदपुर नामक तीन गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? आंसर हो जाएगा अजीम उस शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने सुतानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? अंग्रेजों ने सुतानाती और
कालीकता एवं गोविंदपुरा की जमींदारी 1200 रुपए में खरीदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का पदभार हुआ कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो निम्नलिखित में से कौन गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुतानाती और कालीकत्ता और गोविंदपुर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं आप ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि ई ए की इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। वी है इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। और सी है इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्डा बनाया? तो देखिए, फर्गुसियर द्वारा जारी फरमान से अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्डा बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो देखिए, रॉल्फ फिच अंग्रेज जो था, जो जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। अब देखिए, इसने बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची वन में है अंग्रेज यात्री, सूची सेकंड में है मुगल बादशाह। अब पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर के काल में कौन सा अंग्रेज यात्री भारत आया था? जॉन मिडेन हॉल। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर के काल में कौन भारत आया था? तो जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस भारत आया था। अब बात करते हैं फर्रुखसियर की। तो फर्रुखसियर के काल में कौन अंग्रेज शासक भारत आया था? जॉन शरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो देखिए, शाइस्ता खान ने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है इसमें। तो देखिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। तो देखिए, पहले बात करते हैं फोर्ट विलियम की। तो मिलान हो जाएगा कलकत्ता। अब बात करते हैं फोर्ट गैलेंडिया की। तो फोर्ट गैलेंडिया पुलिकट। अब बात करते हैं फोर्ट गुस्तावोस चिन सुरा। अब बात करते हैं फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई पांडुचे। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसिस मार्टिन ने वीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वली कोडरमपुर के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पांडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो पांडुचेरी के रूप में विकास किया। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खान ने भेंट की। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने, तो डुप्ले जो था, जो कि मुगल बादशाह था, इसे नवाब की पदवी प्रदान की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो पहला देखिए, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। वी में क्या है? उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। सी क्या है? देखिए, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बने। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला है, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। वी है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। और सी है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? आंसर हो जाएगा वाड़ीवास का युद्ध 1760। और इसमें आपको युद्ध जो युद्ध हो चुके हैं वो आपको ध्यान में रखने की कौन
कौन से युद्ध कौन से सन में हुए थे? तो देखिए, वाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, बेदरा का युद्ध की बात करते हैं तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से 1754, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, फ्रांसी सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? फ्रांस की सरकार ने 1954 में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डुप्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 4132। तो बात करते हैं, इसमें आपको बताता हूं। तो देखिए, समय समय प्रवेश किया था, सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? पुर्तगाली ने प्रवेश किया था, और इसके बाद किसने प्रवेश किया था? अंग्रेजों ने, पुर्तगाली के बाद अंग्रेजों ने प्रवेश किया था, अंग्रेजों के बाद किसने प्रवेश किया था? फ्रांसीसी ने प्रवेश किया था, और इसके बाद डच ने प्रवेश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। तो देखिए, ये यूपीपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय था अकबर, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। दूसरा है, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। तीसरा है, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। ये क्वेश्चन सीडीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन, पांडुचेरी वर्तमान पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा, केवल वन। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में बादशाह कौन था? आंसर हो जाएगा अकबर।